मरहूमा बेनजीर भुट्टो साहबा की साहबजादी मोहतरमा आसमा भुट्टो सरदारी साहबा मौजूद है। ग्रुप में भाई चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो सरदारी साहब की कैंपेन के लिए आप लोगों के बीच में मौजूद है। बीपी ये वो हल्का है जहाँ से शहीद हमारे कायदे वाम जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने इलेक्शन लड़ा था। ये वो हल्का है जहाँ से मैंने भी इलेक्शन लड़ा और यहाँ के लोगों की खिदमत की। यहाँ पे हमने फ्री ऑफ कॉस्ट 3 लाख से ज्यादा शिनाख्ती कार्ड बनवाए लोगों को, यहाँ पे उनके बच्चों को नौकरियां दी। यहाँ पे हमने 16,000 से ज्यादा लोगों को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया। हमने यहाँ पे लोगों की खिदमत की। मैं सबसे पहले दरखास्त करूंगा जनाब मोहतरमा हुमा मीर साहिबा को कि वो आए स्टेज पे और मोहतरमा शहीद रानी बीपी बेनजीर भुट्टो साहिबा की बेटी मोहतरमा आसमा भुट्टो सरदारी साहब को वेलकम करें। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया। आप लोग आए और आपने हमारा यहाँ साथ दिया। सबसे पहले मैं जनाब आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ। पार्टी के तमाम सीनियर रहनुमाओं का मैं शुक्रिया अदा करूँगी कि आप आज आए हमारे इस हलके में आए, हमें आपने इज्जत अफजाई बख्शी है। मैं आसिफा भुट्टो जरदारी के बारे में इससे ज्यादा आपको क्या बताऊं कि वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की सबसे लाडली बेटी हैं और आज वो आपके पास आई हैं। आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका साथ लेने के लिए, बांटने के लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की बेटी आसिफा भुट्टो बिलावल भुट्टो हम सबका साथ देंगे। हमारे इस इलाके में मैं बताना चाहती हूँ कि पोलियो के बहुत सारे केसेस के सिलसिले में हम मोहतरमा आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा से ये रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि मुझे पता है, हम सबको पता है कि आपने पोलियो की मुहिम के लिए, पोलियो के रिडक्शन के लिए बहुत भरपूर तरीके से काम किया है और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इन तमाम जरूरतमंद, गरीब और बेसहारा लोगों के लिए, इनके बच्चों के लिए सेहत की सहूलत और दीगर बुनियादी सहूलतों के लिए, जिसका पीपल्स पार्टी ने हम सब लोगों के साथ, इन सब लोगों के साथ वादा किया है, हम सब मिलकर पीपल्स पार्टी का साथ देंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी को, पीपल्स पार्टी को कामयाब करेंगे। मैं एक दफा फिर से आसिफा भुट्टो जरदारी को तहे दिल से वेलकम करती हूँ और आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत शुक्रिया हुमा मीर साहिबा, फैसल मीर साहब की हमशीरा। मैं आप दावत खिताब दूंगा। हमारे पंजाब की डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है मोहतरमा नयाब जान साहिबा के वो स्टेज पे है। वजीर ए आजम आज बीबी की बेटी आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा को पता चलना चाहिए कि जिंदा दिलाने लाहौर में भुट्टो खानदान के लिए कितनी मोहब्बत है। तमाम पंचों
जो जरदारी साहिबा और स्टेज पे बैठे जितने भी हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड मेहमान हैं, सब लोगों को मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बीबी को लाहौर की जो हमारी तंजीम है और जो फैसल मीर साहब ने जिस प्रोग्राम का इनकार किया है, हम आप सबको यहाँ पे वेलकम कहते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि एक खातून होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान के अंदर, और ये मेरी बहनें जो इधर खड़ी हैं ये मेरा साथ देंगी, जवाब देंगी, क्या पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा कोई सियासी जमात हमारी नुमाइंदगी कर सकती है? नहीं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा कोई जमात तलबा की नुमाइंदगी कर सकती है? क्या कोई जमात हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर सकती है? क्या कोई जमात मजदूरों की नुमाइंदगी कर सकती है, किसानों की नुमाइंदगी कर सकती है? सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जो खवातीन की जमात है, जो तलबा की जमात है, जो अकलियतों की जमात है, मजदूरों की जमात है, किसानों की जमात है। तो हमने ये तासुर तोड़ना है। वो जो समझते हैं कि लाहौर उनका किला है, जो जिन्होंने कदम नहीं रखा अभी तक से लाहौर की गलियों में, सड़कों में, लाहौर के लोगों से, क्या आपसे मिलने आए हैं वो? ये जो खुद को शेर कहते हैं, क्या आपसे मिलने आए हैं वो? क्या उन्होंने आपसे आपके मसाइल पूछे? क्या उन्होंने आपसे आपके मसाइल हल करने के वादे किए? आपके पास आई है तो शहीद रानी बेनजीर भुट्टो की साहबजादी आसिमा भुट्टो जरदारी आई है आपसे बात करने, आपसे मिलने, आपके मसाइल सुनने। तो आज वो वाहिद जमात जो पाकिस्तान की, वाहिद पूरे पाकिस्तान की जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो हर तबके की नुमाइंदगी करती है, हमने वादा करना है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को इस हलके से हम जितवाएंगे और इंशाल्लाह ताला वो आप लोगों की नुमाइंदगी करेंगे, पार्लियामेंट में आपकी नुमाइंदगी करेंगे। तो जाते जाते दोबारा से दिखाए हमारी बीबी को कि कितनी मोहब्बत करते हैं हम। नारा भुट्टो। वजीर ए आजम हमने दफ्तर खिताब देना हमारी PP 161 की जोनल सुबह शोभा खवातीन मोहतरमा फरज बीपी को कि वो स्टेज पे आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। मैं सबसे पहले बीबी आसिमा जरदारी साहब से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि, और उसके साथ तमाम का, क्योंकि मेरे पास आज अल्फाज ही नहीं अदा हो रहे कि मुझे इतनी खुशी हो रही है कि वो हमारे दरमियान बैठी हैं। मेरे पास जितने भी अल्फाज हैं वो मैं समझती हूँ बहुत कम है, और मेरे पास अपनी खुशी का इतना जज्बा है कि मैं उस चीज को बयान नहीं कर सकती। और बस चंद अल्फाजों में ये कहना चाहूंगी कि मेरे ख्याल में इस हलके की हर खवातीन, हर बेटी, हर औरत, और मेरे जितने तमाम भाई बाप और जितने लीडर, जितने नौजवान और जितने जाने हैं, वो आज बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ खड़े हैं और इनके लिए हमारी जाने भी हाजिर है। और इंशाल्लाह हम अपने इस हलके को कामयाब करके दिखाएंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी को इंशाल्लाह हम आइंदा वजीर आजम रखेंगे। जिए भुट्टो। बहुत शुक्रिया फरीद बीबी साहब आपका। आप हमारे बीच में मौजूद हैं सेनेटर सहर कामरान साहिबा, मैं उनको कहूंगा दरखास्त करूंगा कि वो स्टेज पे हैं और अपने ख्याल का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम बीबी आसिमा भुट्टो जरदारी, स्टेज पे बैठे हुए तमाम कायदीन, अस्सलाम वालेकुम।
और तमाम जो जियाले आज जो मौजूद हैं, शहीद भुट्टो के चाहने वाले, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के चाहने वाले, मेरे लिए बड़े एहसास की बात है कि शहीद बीबी की आंखों का नूर आसफा भुट्टो जरदारी हमारे दरमियान मौजूद है। आज बीबी आप बचेंगे भुट्टो हमारी शहीदानी हमारी बेनजीर भुट्टो साहिबा मौजूद है। बीबी कल भी जिंदा थी, बीबी आज भी जिंदा है। आज बीबी हमारे दरमियान आसफा भुट्टो दरमियान आसफा भुट्टो जरदारी की सूरत में जिंदा है। आसफा भुट्टो जरदारी आज आपके पास आई है मोहब्बत खुलूस और हमाहंगी का पैगाम लेके। आसफा भुट्टो जरदारी आज आपके पास आई है चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी के मंशूर के मुदस्तूतात लेके, वो अवामी मुआशी मुआहिदा लेके जो आपको एक बेहतर मुस्तकबिल एक दरक्षा मुस्तकबिल की नवीद देता है, जो बताता है कि 5 साल में आपकी उज्जत आपकी आमदनी दुगनी हो जाएगी, जो ये कहता है कि हर मुस्तहक शख्स को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी, जो ये कहता है कि तालीम सबके लिए यकसा होगी, जो ये कहता है कि सैलाब मुतासरीन के लिए 30 लाख घर बनाए जाएंगे, जो ये कहता है कि मजदूरों को हकूक मिलेंगे मजदूर कार्ड की सूरत, जो ये कहता है ज़राअत को फ़रोग मिलेगा किसानों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा किसान हरी कार्ड की सूरत, जो ये कहता है कि नौजवानों का मुस्तकबिल दरक्षा है, जो ये कहता है कि नौजवानों के मुस्तकबिल का ज़ामिन आज का नौजवान लीडर आज की नौजवान क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी है, नौजवानों के लिए यूथ सेंटर्स बनाए जाएंगे जहां उनको हर सहूलत फराहम की जाएगी, कैरियर काउंसलिंग की वोकेशनल ट्रेनिंग की, जब तक उनको जॉब्स नहीं मिलती उनको एक वजीफा दिया जाएगा, जहां पर जो है तालीमी इदारों को इंडस्ट्री से मुंसलिक किया जाएगा, रोजगार के मौके पैदा किए जाएंगे, जहां पे यूथ को यूथ कार्ड दिए जाएंगे उनको उनके मुस्तकबिल को तहफ्फुज़ दिया जाएगा, जहां पे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दायरा वसी किया जाएगा, बीबी का कर्ज है हम सब पे, उनके लाऊ अलूम भुट्टा हम सबके पास है, हमने बिलावल को जिताना है, हमने वो कर्ज उतारना है, हमने बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम पाकिस्तान बनाना है, एक आवाज हमारी एक मिशन है हमारा, बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम पाकिस्तान, बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आजम बिलावल, वजीर आजम बिलावल, आवाज में आवाज मिलाए नारा लगाए वजीर आजम बिलावल, 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 पहुंच गया जय भुट्टो। हमें दरख्वास्त करूंगा हमारे बीच में मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बहुत ही एक्टिव कारकुन, एक ऐसी सरगर्म कारकुन इस हल्के बाहर कॉलोनी से जनाब शबनम साहबा, जो कि हमारे बीच में मौजूद है, मैं उनको कहूंगा आए और मुख्तसर अपने ख्यालात का इजहार करें। खुदावन का शुक्र अदा करती हूँ, मेरे बहुत सीनियर इधर कायद बैठे हुए हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक विश थी कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहबा से मुलाकात हो। जब मैं छोटी थी तब वो बाहर कॉलोनी में आई थी, उस टाइम मैं 9th की स्टूडेंट थी और उस टाइम वो बाहर कॉलोनी में आई थी। आज ये खुशी है कि छोटी छोटी गलियों में हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और उनकी साहबजादी आसफा भुट्टो आज हमारे दरमियान में है। बेटा हम आपको खुशामदीद कहते हैं और
सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि हमारा वजीर आजम बिलावल भुट्टो सरदारी बने तो आपकी आवाज बाहर कॉलोनी के एक एक कोने में जानी चाहिए। वजीर आजम हमारा दोस्त, हमारा बेटा, हमारे दुख सुख का साथी बिलावल भुट्टो सरदारी बीबी आसफा है। हमारी कम्युनिटी के बारे में सोचने के लिए वो हमारी छोटी छोटी गलियों में आई है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी मसीही बेटी हूँ, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ हर बहन से जो इस टाइम मेरे साथ यहाँ पे आई है कि आपने 8 तारीख को बिलावल भुट्टो को जितवाना है, हमने 3 बैठक पर लगाना है। नारा भुट्टो पाकिस्तान, आसफा भुट्टो जीते रहे आप लोग। हमारे बीच में पीपल्स पार्टी लाहौर शोभा खवातीन की सदर नरगिस खान साहबा भी आई है। मैं इससे पहले के किसी और की तकरीर कर रहा हूँ, मैं चाहूंगा कि पास्टर विल्सन साहब स्टेज पे आए और अपने कम्युनिटी की नुमाइंदगी करें और बीबी आसफा भुट्टो जरदारी को वेलकम करें। मेरी तरफ से आप सबको सलाम, खुदा आपको खुश रखे। हम दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपको वेलकम करते हैं। ये मुस्लिम इलाका है और ये फैसल मीर साहब की क्यादत में, असलम गिल साहब की जो हमारी क्यादत ऊपर बैठी है, तो वो अल्फाज नहीं जो आपके बारे में बोले जाए। चेयरमैन साहब भी खुश रहते हैं। ये बात तो बात मैं ये करना चाहता हूँ कि जिस इलाके में हम बैठे हैं, एक मेरी छोटी सी दरखास्त है कि जितना रेंज है उतने लोग बाहर भी हैं, अंदर भी हैं, आप बैठ जाएंगे। आज हमारे इलाके की खुशकिस्मती है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, आसफा भुट्टो साहबा यहाँ पर मौजूद हैं। इन गलियों में हमारे चेयरमैन आए हैं तो आप भी डिसिप्लिन कायम करें, प्लीज बैठ जाए ताकि जब आसफा भुट्टो मोहतरमा आए तो उनको पता चले कि लाहौर में है और मुस्लिमों के इलाके में है। बेशक मेरे बहुत सारे दोस्त बहन भाई मुस्लिम यहाँ पर मौजूद हैं, तो बैठ जाएं। तो मैं चाहूंगा शॉर्ट प्रेयर, अली बदर साहब कह रहे हैं कि शॉर्ट प्रेयर, मेरी मिसेस जो पास्टर है वो आएंगी, छोटी सी प्रेयर करेंगी मिसेस यासमीन विल्सन, और उनके हाथ में बाइबल भी है। मैं चाहूंगा ये हम आसफा भुट्टो साहब को देंगे, पहले आएंगी वो प्रोग्राम के लिए छोटी सी दुआ करेंगी। और पीपल्स पार्टी के जो हर संडे हम अपने चर्च में मसीह लोग पीपल्स पार्टी के लिए दुआ करते हैं, तो बाइबल हम बाद में देंगे, मिसेस मेरी दुआ करेंगी। मसीह में सबको सलाम। मेरा दिल आज खुशी से भरा हुआ है कि आसफा भुट्टो हमारे दरमियान में, ये हमारी बेटी है, हम उनके लिए दुआ गो हैं। तो मैं सबके लिए और अपनी जितनी भी मेरे लोग खड़े हुए हैं उनके लिए और अपनी यानी कि बिलावल भुट्टो के लिए, टीम के लिए हम दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस, खुदावन, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन। इस वक्त इस घड़ी में खुदावन तू यहाँ पर मौजूद है खुदावन, और खुदावन देख हमने खुदावन तेरे नाम से खुदावन आगाज किया, तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावन, क्योंकि खुदावन सबको खुदावन तू बड़ी बरकत देना, और बिलावल भुट्टो साहब को भी खुदावन हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं खुदावन, उनकी मदद और रहनुमाई करना इन गली कूचों में खुदा। उन्होंने तेरे वसीला से खुदा वो चले फिरे हैं, तूने उनकी जान की हिफाजत की, तूने खुदा उन्हें बड़ी बरकत देना। और खुदा मेरी दिल से दुआ है कि वहां पर खुदा देख इधर से इलेक्शन लड़ने लगे हैं तो खुदा उन्हें जिताना। ये सब कुछ मांगती तेरे और जलाली नाम से, आमीन। और मैं चाहूंगा कि मेरी मिसेस आसफा भुट्टो साहिबा को खुदा का कलाम बाइबल पेश करेंगी। आप चूंकि मेरे मुस्लिम दोस्त, मेरे लीडर और मेरी प्यारी बहन शबनम साल ने
मसीहों की बात की। मैं भी चूंकि कोऑर्डिनेशन कर रहा हूं मेरे साथ की बिलावल साहब की, मैं अभी सिर्फ मसीहों की बात करूंगा जो पीपल्स पार्टी ने किए हैं मसीहों के लिए। इस जगह पर हम 1.5-2 साल से काम कर रहे हैं। फैसल मीर साहब ने, असल गिल साहब ने, हमारी क्यादत ने, अली बदर साहब ने बहुत काम किया और कुछ लोग इन गलियों में घूम रहे हैं, हमें चक्कर दे रहे हैं। वो एक हफ्ता पहले आए हैं, वोटों को खरीद रहे हैं, हमें लोग बता रहे हैं, वो 5,000 दे रहे हैं, वो 2,000 दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब का परसों हमने जलसा किया टाउनशिप में, हमने किसी को एक पैसे का लालच नहीं दिया और लाखों की तादाद में वो साबित कर दिया ये हल्का बिलावल भुट्टो का है, ये हल्का जुल्फार अली भुट्टो का है, ये हल्का यहाँ से जब भुट्टो साहब जीते वजीर आजम बने और जब बेनजीर साहब लाहौर से जीते वजीर आजम बने और अब बिलावल साहब जीत कर जो इन गलियों में घूम रहे, आज हमारी बेटी मोहतरमा यहाँ घूम रही है, वजीर आजम बनेंगे। मैं मसीहों की बात करता हूँ, क्या दिया है नून लीग ने, मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं, ये मीडिया सामने है। जब भी हमारी आबादियां चलाई गई नून लीग की हुकूमत हुई, जब भी कोई मौत हम पर आया नून लीग के लोग आए और जब भी हम पर जुल्म हुआ नून लीग ने किया, जब भी हम पर कोई तशद्दुद हुआ नून लीग के दौर में हुआ। मैं और रिकॉर्ड ये बात करता हूं, हमेशा पीपल्स पार्टी ने मसीहों की बात की, अकलियत की बात की, मजदूरों की बात की। ये गरीबों की पार्टी है, ये अवाम की पार्टी है और ये पार्टी जैसे हर तबका है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुराद लोगों की पार्टी है, ये पाकिस्तान के लोगों की पार्टी है। अब मैं पीपल्स पार्टी की जो बात करूंगा उसने झूठ लिया होगा और रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड बात होगी। हमारे मसीही आज से 2008 से पहले हमारे मसीही पीपल लगते थे, माली लगते थे, ड्राइवर लगते थे, लेकिन जब हमारी हुकूमत आई पीपल्स पार्टी की सरदारी साहब की, यूसुफ रजा गिलानी साहब, राजा साहब जब बने वजीर आजम, जब वजीर आजम बने हमारे जो एमए बीए मैट्रिक पास एफए पास, तो हमारे लोग जो लगते थे वो स्लीपर लगते थे। आज पीपल्स पार्टी ने हमें 5% कोटा दिया और आज मैं बीबी आसा से कहना चाहता हूं कि जहां जब हमारे स्लीपर बनते थे, जब लोन स्केल मिलते थे, तो आज हमारे जज भी बन रहे हैं, आज हमारे डीसी भी बन रहे हैं, आज हर तरह के जो ऑफिसर 5% कोटा पीपल्स पार्टी ने मसीहों को दिया। मैं बताना चाहता हूं जो हमारी आबादियों में ये घूम रहे हैं 5,000 का लालच दे रहे हैं, उनको मैं कंडेम करता हूं। आज हमारे डीसी लग रहे हैं पीपल्स पार्टी की वजह से। जब पहला वजीर बना वो कौन था हमारा वजीर, जैसा एक वो मोहतरमा ने जैसा को बनाया, पहला वजीर पीपल्स पार्टी ने हमें दिया और उसके साथ यहाँ पर सेनेटर बैठे हैं, हमें सेनेट में नोगो एरिया था, हमें घुसने नहीं देते थे वहां पर। ये पीपल्स पार्टी ने 2008 से 2013 तक आज जो हमारे खिलाफ बात कर रहे हैं उनको जरा शर्म आनी चाहिए कि आज अगर तुम सेनेटर हो वो पीपल्स पार्टी की देन है। आज तुम जो बात करते हो 5,000 का लोगों को मुस्लिमों को खरीदना चाहते हो, हम लालच भेजते हैं पर, और इसी तरह बिलावल वजीर आजम, बिलावल अब मैं बात करूंगा। हमें ईसाई कहा जाता था, हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी चीजें की, हमें ईसाई एक खाली बराबर लगता था। जब सरदारी साहब की हुकूमत आई उन्होंने हमें ईसाई से मसीही बना दिया और आइन में लिखवा दिया, क्या लिखवाया, अब मसीह ईसाइयों को मसीह लिखा जाए, पढ़ा जाए, ताबत जाए, ये पीपल्स पार्टी की देन है। और जबकि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि एक अकलियत का
वजीर आजम होना, मसीह भी वजीर आजम बन सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने ऑन रिकॉर्ड बातें की हैं, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी कर सकती है, ये हमारी पार्टियां चला सकते हैं। अली फजल साहब जहां जाते हैं एक बात करते हैं कि अब आप अपने चर्चों में जब हमारी हुकूमत आएगी आप महफूज होंगे, ये पीपल्स पार्टी का मंशूर है। जब हमारी हुकूमत आएगी मुस्लिम आबादियां शाद होंगी, उन पर कोई इन शैतानों का माफ नहीं जाएगा। पीपल्स पार्टी आपका ये ख्याल करेगी। ये लिबरल पार्टी है, ये सेकुलर पार्टी है, ये मोहब्बत की पार्टी है, ये जहांगीर बदर साहब के बेटे हैं, मेरे साथ खड़े हैं असम गिल साहब, मीर साहब, पच्चीस मीना घुर्की आसवा साहब बैठी हैं, ये मुस्लिमों को साथ बैठाते हैं, हम इनके साथ चलते हैं। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई इम्तियाज नहीं है, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी कर सकती है। तो लिहाज जब आठ फरवरी आए पैसे जितो मर्जी खाओ लेकिन जोर तीर को देना है। बिलावल जीते इस हल्के से, मीर साहब जीते, हमें वोट देना, इनको कंडेम करना है। ये गलियों में जो पुलिस घूम रहे हैं इनको कंडेम करना। बहुत शुक्रिया, जिए भुट्टो। बहुत शुक्रिया पास्टर विल्सन साहब, आपकी बड़ी जबरदस्त जज्बे वाली तकरीर। अब मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब मोहतरमा समीना घुर्की साहिबा को कि वो स्टेज पे आए और ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहायती मोहतरम मोहतरमा आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा, फैसल मीर साहब, असलम गिल साहब, नरगिस खान साहिबा, हमारी सेनेटर साहिबा और जितने भी मेरे स्टेज पे बैठे हमारे लीडर हैं, और सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ सभी प्यार करने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका जोश जज्बा, आपने वेलकम किया है मोहतरमा आसिफा भुट्टो साहिबा को, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमारी जो लीडरशिप है उसको सही मानों में अपने जज्बात का इजहार करके, अपनी खुशी का इजहार करके बताया है कि आज भी पाकिस्तान में बेशुमार जगहों पे स्पेशली लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से प्यार करने वाले लोग मौजूद हैं, जो आज भी उसी जोश जज्बे के साथ, जो कि भुट्टो साहब के कारकुन होते थे, बीबी साहिबा के कारकुन होते थे, आज वो बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफा भुट्टो जरदारी साहब के जियाले और कारकुन हैं। और मैं अपनी लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ है वो मैं उनकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकती हूँ कि हमारे आज भी लीडरशिप को अपने कारकुन वर्कर की अहमियत का पता है और उनसे प्यार करते हैं। अभी जिसकी झलक मैंने देखी है तो मुझे एक बहुत सुकून मिला है कि मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा जिस तरह अपने हर वर्कर को, हर अपने कारकुन को, हर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को पहचानती थी, तो आसफा भुट्टो जरदारी जिस तरह नरगिस फैज को लेके आई है स्टेज पे, तो मुझे बहुत इत्मीनान हुआ है कि हमारी लीडरशिप के हाथ मजबूत है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले प्यार करने वाले कभी भी मायूस नहीं होंगे। तो आप सबका मैं लंबी बात नहीं करती, बहुत देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त मैं NA 127 के इलेक्शन के हवाले से कहूँगी कि देखिए आप लोग जितनी मेहनत फैसल मीर साहब ने की है, मुसलसल डेढ़ दो साल से अपने हल्के में काम कर रहे हैं, इसका रिजल्ट हमें 8 फरवरी को मिलना है। और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे हलकों से कहा था कि आप इधर से इलेक्शन लड़ें, लेकिन चूंकि हम बाय इलेक्शन इस हलके से लड़ चुके थे, हमारी इस हलके से काफ़ी ज़्यादा आप समझे कि हमें पता था कि हमारे लोग कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं, इसीलिए इसको सिलेक्ट किया गया, चुना गया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए। अब ये 8 फरवरी है, उस दिन आपने अपना वोट जो है, हर एक का अपना जाती वोट बड़ा कीमती वोट होता है और वो हमारे लिए भी बहुत कीमती वोट है कि आप अपनी राय का सही जो है इजहार करें कि वाकई में बिलावल भुट्टो जरदारी हकदार हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। इतने साल पहले इतनी मेहनत की और इसको आबाद किया,
तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का हक तो है आपके वोट पे कि आप उनको वोट दें, और 8 फरवरी को आप उनको कामयाब करें। मैं इस दुआ के साथ अपनी बात खत्म करती हूँ। अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर हो। आप लोगों ने जिस तरह, और बीबी साहब की एक बात मैं जरूर कहूंगी कि आपकी कम्युनिटी के साथ हमेशा उन्होंने बहुत ज्यादा इसको अहमियत दी है कि हमें अपनी अकलियत के साथ साथ देना चाहिए, उन्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आपको बहुत रिस्पेक्ट दी है और आपका मकाम आपको हमेशा मिला है। बहुत शुक्रिया जी। सिप्ते हसन उसकी टीम का बहुत शुक्रिया। सिप्ते आपकी पीएसएफ की टीम की बहुत जद्दोजहद है। आप बिलावल साहब के लिए बहुत काम कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं और लोगों की बात करूं, मैं बहुत मुख्तसर है, बीबी की तकरीर करवानी है हेडलाइन से पहले, तो मैं दरखास्त करूंगा हमारे प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर जनाब असलम गिल साहब को कि वो आए अपनी तकरीर करें। मुझे हमारी शहीद बीबी की तस्वीर जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की नवासी और जनाब आसफ अली जरदारी साहब की शहजादी, हम बीबी शहीद की तस्वीर को यहां बहार कुंडली में इनको खुश आमदेद कहते हैं, और यहां पर हमारे मसीह बहन भाई बुजुर्ग नौजवान हमारी बेटियां यहां तशरीफ फरमा है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने बीबी आसफा जरदारी साहबा के लिए यहां पर ये माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत इज्तमा आपने सजाया। मैं जनाब फैसल मीर साहब हमारे सूबाई असेंबली के यहां से उम्मीदवार हैं और हमारे कौमी असेंबली के उम्मीदवार हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। आपने इससे पहले जो जिमनी इलेक्शन में बहुत सारे वोट दिए यहां से जितवाया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं समझता हूं कि आप अपने कायद इस मुल्क की किस्मत बदलने वाला, इस मुल्क में गरीबों के लिए मतवर तबकात के लिए जो प्रोग्राम दिया कि यहां 300 यूनिट बिजली के मुफ्त दिए जाएंगे, यहां पर बेरोजगारी के सपोर्ट को डबल किया जाएगा, तनख्वाहों में डबल इजाफा किया जाएगा, यहां पर रक्षे वाले गरीब लोग मतवर तबके के लोग छोटे दुकानदार उनके लिए कर्जा दिया जाएगा ताकि वो अपनी आमदनी को बढ़ा सके। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मोहतरमा की तस्वीर आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा यहां आपके पास तशरीफ लाई है और आपने अपने कायद जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का निशान तीर है, तीर पे फप्पे लगा के हमने उनको जितवाना है ताकि पाकिस्तान का बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर आजम पाकिस्तान बन सके और हमारे मिसाइल हल हो, पाकिस्तान के मिसाइल हल हो, गरीबों के मिसाइल हल हो, मजदूरों के मिसाइल हल हो, ख्वातीन के मिसाइल हल हो, तमाम लोगों के इस मुल्क की इज्जत जो है वो बैलेंस को अभी पर तौर पर जाए और मुल्क जो है एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाए। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया असलम गिल साहब। अब मैं आपके बीच में बैठे हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ से सूबाई उम्मीदवार पीपी 161 के
जनाब फैसल मीर साहब से दरखास्त करूंगा कि वो आए और आपसे इजहार ख्याल करें। यूसुफ साहबा और वहीद साहबा जो है उनको अंदर बुलाया जाए, तो आप दोनों प्लीज अंदर आ जाए। सगीरा इस्लाम साहबा के साथ आगे भी आप जी। मैं इंतहाई मशकूर हूँ मोहतरमा आसफा भुट्टो जरदारी साहब का कि उन्होंने हमें इस बात का एजाज बख्शा कि बहार कॉलोनी में मेरे हल्के एन ए 161 में वो तशरीफ लाएं। आसफा बीबी जो है वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का अक्स कहा जाता है उनको, और आज जब हम उन्हें जलसों में देखते हैं तो बिल्कुल इसी तरह महसूस होता है कि जैसे मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहबा हमारे दरमियान में मौजूद हैं। आसफा भुट्टो जरदारी साहबा ने अपनी एक तकरीर में पीछे का और चंद रोज पहले एक तकरीर की, उसमें इन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की सियासत का मकसद अवाम की मयार जिंदगी बुलंद करना है, जबकि दूसरी जो जमातें हैं उनकी सियासत का मकसद जो है वो अपने जाती मफादात का हसूल है। बिल्कुल वही जो बात आसफा भुट्टो जरदारी साहब ने की वो हमारे इस हल्के पीपी 161 और एमए 127 पे इम्प्लीमेंट होती है। मैं आसफा बीबी को बताना चाहूंगा कि नवाज शरीफ का घर मॉडल टाउन में है, ये हल्का जो है नवाज शरीफ का हल्का है, यहाँ पे वो वोट डालते हैं। 8 फरवरी को नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने और मरीम नवाज ने मेरे खिलाफ पीपी 161 में वोट डालना है, और ये वो लोग हैं जो अपने घर की छत से बहार कॉलोनी को देख सकते हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब यहाँ पे आए तो उन्होंने कहा कि मुझे हैरानी हुई कि नवाज शरीफ के घर के इतने नजदीक लोगों के लिए हालात हैं। ये लोग 40 साल से, इन्होंने 4 मरतबा ये वजीर आजम रहे, 5 मरतबा ये वजीर आला रहे, लेकिन अपने घर की दीवार के पीछे बसने वाली आबादी में जो एक बच्चा है उसको साफ पानी ना दे सके, बारिश यहाँ पे होती है तो मैं खुद यहाँ पे घुटने घुटने पानी में इन लोगों के साथ फिरता रहा हूं। क्या मैं आप 161 के ये सारे लोग बैठे हैं, आप में से किसी एक शख्स को साफ पानी मुयसर है? क्या आपके घरों में सेवरेज सिस्टम ठीक है? क्या आपके बच्चों को सेहत की सहूलत हासिल है? क्या नवाज शरीफ आपका हमसाया है? ये आपके घर के साथ रहता है? तो जो शख्स 40 साल अपने हमसाये के बच्चे का ख्याल ना कर सका वो ये कहता है कि मैं इस मुल्क की तकदीर बदलूंगा। इन लोगों ने जो अरबों रुपए की मेट्रो ट्रेन, खरबों रुपए की ऑरेंज ट्रेन कर्जे लेकर खड़ी की, वो सिर्फ और सिर्फ एवन फील्ड अपार्टमेंट जो कि पनामा में इंटरनेशनल स्कैम है, जो ना ये किसी एजेंसी ने पनामा निकाला था, ना पीपल्स पार्टी ने निकाला था, और ना ही किसी मूल ये मौलाना फजल रहमान ने निकाला था, ये एक इंटरनेशनल एजेंसी ने पनामा का स्कैम निकाला था, और उस पनामा के पैसे से इन्होंने एवन फील्ड अपार्टमेंट खरीदा, और ये इतने ढीठ हैं कि उसी अपार्टमेंट को अपना किला बनाकर बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को नवाज शरीफ को शिकस्त दे के उसी पनामा के एवन फील्ड अपार्टमेंट में हम वापस भेजेंगे। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि क्यों लोग पूछते हैं कि नवाज शरीफ क्यों नहीं पैसे लगाता यहाँ पे इस हलके में या अपने गरीब इलाकों में क्यों पैसे नहीं लगाता? उसकी वजह यह है कि साफ पानी के लिए चंद हजार रुपए का पाइप पड़ता है, उसको चंद हजार रुपए में से कुछ बचता नहीं है, उसको खरबों रुपए की जो ये ऑरेंज ट्रेन खड़ी करता है उसमें से अरबों रुपए के इसको पैसा बचता है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो इस हलके से इलेक्शन लड़ रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन यहां से जब वजीर आजम बनेंगे तो हम जो काम ये 4 मरतबा वजीर आजम बन के नहीं कर सके, चेयरमैन साहब जो है वो इंशाल्लाह ताला पहली मरतबा ही करके उसको इस पूरे इलाके को एक मॉडल बनाएंगे। और आखिरी बात मैं ये करना चाहूंगा कि ये लोग कहते हैं
ये लोग कहते हैं कि हमने लाहौर बना दिया, लेकिन लाहौर की 75% आबादियां जो है, जिस तरह आपका इलाका है वो इस तरह की आबादियां हैं। इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ को शिकस्त देगी और हम लोग मिलकर नवाज शरीफ को एक मरतबा फिर इस मुल्क से भगोड़ा करेंगे। हम सब मिलकर एयरपोर्ट जाएंगे। क्या आप लोग हमारे साथ मिलकर 8 फरवरी को नवाज शरीफ को लंदन भेजने एयरपोर्ट जाएंगे? आप भी जाएंगे। और नवाज शरीफ सुन लो, 8 फरवरी को बहार कॉलोनी की आवाम तुम्हें लाहौर एयरपोर्ट पर रात को अलविदा करने आ रही है। आशा भी जरदारी साहब का इंतहा ने खड़े होके इस्तकबाल करना है। हमारे बीच में मौजूद है शहीद रानी की बेटी मोहतरमा आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा, और नारा लगा के, और मैं इनको बुलाने से पहले बीबी शहीद के लिए जो अल्फाज कहे जाते थे, आज आखा वारस शानो, आज आखा वारस शानो किथे कबरा विचो बोल, आज फिर किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का खोल, एक रोई सी थी पंजाब दी तो लिख लिख मारो बोल, आज लखा दिया भैया रो दिया तेनु वारस शानू कह, उठ दर्द मंदा दिया दर्द दिया उठ तक अपना पंजाब, आज बेले लाशा विचिया लौदी भरी चनाब, आज छब्बे कह दो बन गए हुस्न इश्क दे चोर, आज लियाइए किथो लपके हुस्न इश्क दे चोर। शहीद रानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की साहबजादी मोहतरमा आसिफा भुट्टो जरदारी, खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए आसिफा भुट्टो जरदारी साहबा। मेरी बहनों भाइयों अस्सलाम वालेकुम, जिए भुट्टो। मेरे भाई बिलावल भुट्टो जरदारी, आपका कैंडिडेट, आपका चेयरमैन, आपका भाई, आपका बुजुर्ग, मेरा भाई बिलावल ने एक मंशूर दिया है। ये एक आवाम दोस्त मंशूर है, ये एक गरीब दोस्त मंशूर है, वो आपके साथ मांग रहा है। मैं आपसे पूछती हूँ, आप अगर आप चाहते हैं कि आपकी तनख्वाह दुगनी करेंगे तो फिर आप बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ है। हम वादा करते हैं कि अगर आप 300 यूनिट बिजली चाहते हैं तो फिर आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को अच्छी तालीम मिले तो फिर तीर पर मोहर लगाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपको मुफ्त और मियारी इलाज मिले तो हमारे साथ दें। अगर आप चाहते हैं कि आप 30 लाख घर बने तो बिलावल को कामयाब करें। अगर आप चाहते हैं कि गुर्बत का खात्मा हो और BISP को मजीद बढ़ाए तो आप बिलावल की आवाज बने। अगर आप चाहते हैं कि हारी और किसान खुशहाल हो और उनको हारी और किसान कार्ड मिले तो तीर पर मोहर लगाएं। अगर आप चाहते हैं कि मजदूर के मेहनत का सिला और मजदूर कार्ड मिले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे। अगर आप चाहते हैं कि जवान मुस्तकबिल रोशन हो और उनको यूथ कार्ड मिले तो बिलावल की आवाज बने। अगर आप भूख का खात्मा और भूख मिटाओ प्रोग्राम चाहते हैं तो तीर को कामयाब करें। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर एक ऐसे पाकिस्तान बने जो हम सब का हो। हम नारा मारे, हम परचम थामे, फिर निकला सूरज, फिर वह सवेरा, आई अमानत, एटम बम का तोहफा, हम बेटे किसके, ये मजमा किसका, दीवाने किसके, ये पार्टी किसकी, मेनवासी किसकी, आपका आम होगा, आपका आम होगा, हाय पंजाब का नारा, हाय पंजाब का नारा, लाहौर का नारा, लाहौर का नारा, नारे भुट्टो। आपके साथ बहुत बहुत शुक्रिया। और याद रखो 8 फरवरी आपने सिर्फ तीर को देखना है, सिर्फ तीर को वोट देना है।